अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू अबाबील। दोस्तों रूस ने कहा है कि उसने आवाज़ की रफ़्तार से 27 गुना तेज़ हाइपरसोनिक मिज़ाइल अपने यहाँ नस्ब कर दिए हैं। इन जदीद तरीन हाइपरसोनिक मिज़ाइल्स का नाम एवनगार्ड है, जो आवाज़ की रफ़्तार से 27 गुना तेज़ हैं, और अगर मिज़ाइल शिकन के ज़रिए इन्हें रोकने की कोशिश की जाए तो ये रास्ता और बुलंदी तब्दील करने की सलाहियत भी रखते हैं और मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम को नाकाम बना देते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने बताया कि एवनगार्ड सिस्टम मौजूदा और मुस्तकबिल के तमाम मिज़ाइल दफाई निज़ामों को शिकस्त दे सकता है और इसके ज़रिए रूस इस टेक्नोलॉजी में दुनिया के तमाम ममालिक से आगे निकल गया है। दोस्तों एवनगार्ड जो कि इससे पहले ऑब्जेक्ट 4202, YU-71 और YU-74 के नाम से जाना जाता था, ये रशिया का हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है जिसे UR-100N, R-36M2 और RS-28 सरमेट मिसाइल के ज़रिए MIRV पेलोड के तौर पर ले जाया जा सकता है। MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंट रीएंट्री व्हीकल का एब्रीवेशन है। MIRV टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ किस्म के वारहेड्स पर मुश्तमिल होती है जो कि मिसाइल के फ्रंट पर लगे होते हैं। ये वारहेड्स एक सतह पर जाकर मिसाइल से अलहदा हो जाते हैं और अपने अलग अलग टारगेट्स को हिट करते हैं। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल भी सेम इसी तरह फिज़ा में ले जाया जाता है और टारगेट की तरफ ग्लाइडिंग करने से पहले रॉकेट से लॉन्च होते हैं, लेकिन इनकी स्पीड इंतहाई तेज़ होती है और ये ऊपर नीचे और दाएं बाएं भी हरकत कर सकते हैं, और इसकी इस खूबी की वजह से इसे काउंटर करना नामुमकिन है और किसी भी किस्म का मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसको तबाह नहीं कर सकता। दोस्तों याद रहे कि इस वक्त दो किस्म के हाइपरसोनिक वेपन्स मौजूद हैं, एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और दूसरा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल टारगेट को हिट करने से पहले अपने एयर ब्रीथिंग इंजन या स्क्रैमजेट्स इंजन से हाई स्पीड पावर लेते हैं, जबकि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल रॉकेट से लॉन्च होते हैं और टारगेट की तरफ ग्लाइडिंग करते हैं। एवनगार्ड भी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। इसे डिज़ाइन करने वाली कंपनी मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ थर्मल टेक्नोलॉजी है और इसे मैन्युफैक्चर वोकिंस्क मशीन बिल्डिंग प्लांट ने किया है। इस वेपन का वजन 2 टन है और इसकी लंबाई 5.4 मीटर है और इसकी स्पीड 20 से 27 मैक तक है। ये रवायती और न्यूक्लियर वारहेड्स भी ले जा सकते हैं। इस वेपन को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने 1 मार्च 2018 को पहली दफ़ा अनवील्ड किया था, लेकिन इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट फरवरी 2015 और जून 2016 के दरमियान की गई, जो कि UR-100 UTT-KH ICBM के ज़रिए डोम्बारा विस्की एयरबेस से की गई, जो कि ओरनबर्ग खिते में मौजूद है। इस वेपन ने 11,200 किलोमीटर पर आर की स्पीड अचीव की और क्यूरा मिसाइल टेस्ट रेंज पर टारगेट को कामयाबी से हिट किया। दोस्तों अक्टूबर 2016 को दोबारा इसका टेस्ट किया गया और इस बार इसे R-36M2 हैवी ICBM मिसाइल के साथ टेस्ट किया गया। इस बार भी इसने कामयाबी से टारगेट को अचीव किया। 1 मार्च 2018 को मॉस्को में व्लादिमीर पुतिन ने फेडरल असेंबली में प्रेसिडेंटल एड्रेस के दौरान कहा कि इस वेपन ने कामयाबी से अपने टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं और अब ये स्पेशल प्रोडक्शन के मराहिल में दाखिल होने जा रहा है। और दोस्तों 28 दिसंबर 2019 को इस वेपन को सर्विस में शामिल कर लिया गया और इसे रशियन स्ट्रेटेजिक मिसाइल ट्रूप्स इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों इन वेपन्स को 6000 किलोमीटर रेंज वाले बैनल बरेआज़मी मिसाइल्स के साथ ओरनबर्ग की ओराल पहाड़ियों पर नस्ब किया गया है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये छोटी सी काविश पसंद आई होगी। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।